हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर 15 सर्कल पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 15.3 के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11th तक लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाके बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विज़िट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, कोई भी क्लास आप लोगों का मिस ना होने पाए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे हम आपको इसी तरह लगातार पढ़ाते रहें, ठीक है। तो अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12th का ए पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा कि इन द फिगर PQ is equal to 24 सेंटीमीटर, जो हमारा ये PQ है ये 24 सेंटीमीटर है, क्लियर। आगे कह रहा QR 7 सेंटीमीटर, तो जो QR है वो 7 सेंटीमीटर है। एंड एंगल PQR 90 डिग्री, PQR 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ PQR। हमें क्या करना है कि जो ट्रायंगल PQR के अंदर सर्कल बन रहा है, इसका हमें रेडियस फाइंड करना है, क्लियर। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस PQR ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, है ना, यूज़ कर लो यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्लियर। पी आर हमको फाइंड करना, तो इसको पी आर एज इट इज पढ़ा रहने दो। पी क्यू हमारा कितना, 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 7 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, ऐड कर लो इसको। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 9 कितना होता है 15 का 5 हो जाएगा 74, 74 हो जाएगा 11, 11 वन 12 और कैरी 1 516, ठीक है। तो यहाँ से पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 625 का, 25 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इस तरीके से जो हमारा पी आर लेंथ आ गया वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर यहाँ पे हम ज्वाइन कर दें ये लाइन और इधर ये लाइन ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एल लेट कर लेते हैं, इसको एम लेट कर लेते हैं, इसको एन लेट कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स कि जहाँ पे ये हमारा जो टेंजेंट है उसको टच कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स को हम नेम दे दिए एल एम एन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो हमारा ओ एम है, ठीक है, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे ज्वाइन, ज्वाइन ओ एल, ओ एम एंड ओ एन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर ओ एम हमारा एक्स सेंटीमीटर है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट में है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा। और एक चीज़ देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एल क्यू या क्यू एल एक्स है तो क्यू एम भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारा क्यू एम एक्स है, क्यू एम इज इक्वल टू एक्स, तो अब एक चीज़ देखो कि ये
क्यू आर हमारा टोटल 7 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे इसको क्यू एम को एक्सलेट कर ले रहे हैं या फिर क्यू एक्स है, तो हमारा जो एम आर है या आर एम है वो क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। कंप्लीट से हम ये पार्ट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई आर एम या एम आर, आर एम कर लो कितना आ गया है, 7 माइनस एक्स, क्लियर। अब हम आते हैं फ्रॉम द पॉइंट आर। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें पी एल की, पी एल भी देख लो यहाँ पे, पी एल कितना हो जाएगा भाई। अगर पी एल की बात करें, टोटल हमारा पी क्यू कितना है, 24 है, और एल क्यू एक्स है, तो पी एल कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लो कि ये 24 थोड़ा सा सही बना लेते हैं, 24x, ठीक है। तो यहाँ पे पी एल कितना आ गया, 24 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम द पॉइंट आर। फ्रॉम द पॉइंट आर, अगर आर पॉइंट से बात करें तो एम आर और एन आर हमारे क्या है, टेंजेंट है भाई, दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो एम आर और एन आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हो तुम आर एम इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। तो यहाँ से आर एन हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, एम आर हमारा या फिर आर एम कितना, 7 माइनस एक्स, क्लियर। तो यहाँ से आर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्रॉम पॉइंट पी। फ्रॉम पॉइंट पी, अगर फ्रॉम पॉइंट पी की बात करें तो यहाँ पे देखो, पी से अगर बात करें तो पी एल और पी एन दोनों हमारे टेंजेंट हैं, है ना। तो पी एल और पी एम इक्वल हो जाएंगे, इक्वल पी एन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जो हमारा पी एल है वो कितना है, 24 माइनस एक्स है, क्लियर। तो पी एन भी यही हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो पी एन इज इक्वल टू कितना, 24 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग पी आर की बात करें तो पी आर इज इक्वल टू होगा क्या, पी एन प्लस एन आर हो जाएगा, पी एन प्लस एन आर, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, या आर एन या एन आर, ठीक है। तो इन दोनों को हम पुट कर देते, पी आर का इक्वल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना, 25, तो इसको 25 इज इक्वल टू पी एन कितना है, पी एन हमारा कितना आ गया, 24 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस आर एन या एन आर कितना है, 7 माइनस एक्स, ठीक है। ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 और 7 31 है ना, ठीक है। इधर अगर बात करें तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 31 माइनस 2x, x और x दोनों माइनस के हैं, दोनों 2x हो जाएंगे ऐड होके, ठीक है। 25 को इधर लाते हैं, 2x को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 31 माइनस 25, क्लियर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा, 31 से 25 माइनस करेंगे 6 होगा, और 6 पे 2 इधर है डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था भाई, देखो रेडियस इस सर्कल का कितना, 1 सेंटीमीटर है, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, यही हमको फाइंड करना था। कॉन्सेप्चुअल अगर चलोगे तो क्वेश्चन इजी है ना, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं, हम अपने टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एक प्रोसेस के थ्रू अगर चलते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट हो गया। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 का बी है, इन द फिगर गिवन बिलो, अपने बुक में आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर ओ आर रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं। हमारे पास दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, एक सर्कल हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो ये सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल हम बना लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये सेंटर हो जाएगा दोनों का, ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन आर ड्रॉन टू दीज सर्कल्स इफ ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसको ए लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, मान लेता हूँ ये वो पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों सर्कल पे एक एक क्या बनाए गए हैं, टेंजेंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो इससे टेंजेंट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा और इससे टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो पी ए दिया गया उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। टेंजेंट पी ए जो है उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया गया। अब अगर हम लोग बात करें तो ये वाला है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर को अगर ओ लेट कर लो तो हम क्या करते हैं, एक ओ पी ड्रॉ कर लेते हैं, ओ को पी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ओ पी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, आओ इसको देखते हैं। देखो भाई अब हमने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा टेंजेंट होता है वो सेंटर से जो लाइन बनता है, मींस कि जो रेडियस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट पे जहाँ भी टेंजेंट सर्कमफेरेंस को लाई करता है वहाँ पे हमारा रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेगा वो, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इस सर्कल में, ठीक है, तो ये हमारा ए ओ पी एक ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है। अब यहाँ पे दो साइड दिए हुए हैं राइट एंगल का, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग बात करें जो 90 डिग्री एंगल जिन दो एडजेसेंट साइड से बनता है वो हमेशा, वो दोनों साइड एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी, है ना। तो इसको रख लो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ स्क्वायर रूट करेगा और 25 144 हो जाता है 169। तो ओ पी इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमको 13 सेंटीमीटर, क्लियर। दैट मीन्स ये हमारा जो ओ पी है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब फिर से अगर देखें तो अगेन हमारा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा जिसके दो साइड हमारे पास हैं, हाइपोटेन्यूज है और बेस है। अब की बार इसका हमें इसका हाइट फाइंड करना है या फिर परपेंडिकुलर फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिखो अगेन इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है। इसमें पूछा क्या, क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन में बीपी का लेंथ पूछा। अच्छा बीपी पूछा तो आ जाएगा इजिली, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से हम आते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो ओ पी हमारा फिर से क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर, क्लियर। ओ पी अब की बार 13 है तो 13 स्क्वायर कर लेंगे, देन उसके बाद ये हो जाएगा फिर बी पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्लियर। ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 169 से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 160, ठीक है। अब 160 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको चाहो तो यही रख लो या फिर इसके फैक्टर्स कर लो। 160 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करोगे ये 80 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें से कितने के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर हमारा ये बन रहा, एक पेयर ये बन रहा, दो 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बी पी इज इक्वल टू आ जाएगा, एक पेयर यह बन रहा 2 यहाँ से निकाल लेंगे, एक पेयर ये बन रहा 2 यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 सा कितना हो जाएगा 4, और रूट के अंदर कितना बचेगा 5 सा 10 सेंटीमीटर, ये हमारे बी पी का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। यही फाइंड करना था, तो क्वेश्चन ये भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का, सॉरी बी कंप्लीट हो गया, दैट मींस 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उससे पहले कि अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से अपना जो भी डाउट है हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट कह रहा, इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो ये हमारा ए बी लेंथ दे रखा है, ये वाला पूरा कितना है ये 8 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो यार, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर 8 सही लिखिए, तो 8 में क्या प्रॉब्लम है यार, अब 8 हम ऐसे नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ लोग 8 ऐसे बनाते हैं, तो हमारा अब आदत पड़ा है ऐसे 8 बनाने का, तो इसमें क्या कमी आ रही है, पता नहीं कैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि 8 हम गलत लिख रहे हैं या फिर 8 में कोई प्रॉब्लम हो रही है। हमारे हिसाब से 8 सही है। अब अगर आप लोगों को कहीं भी 8 में लगता कि नहीं 8 कैसे बनाना चाहिए, तो आप हमें फेसबुक पे बना के अपना मैसेज करके भेजिए, देखते हैं आप लोग कैसे 8 बनाते हैं, ठीक है। हम तो 8 ऐसे ही बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आ गया कि 8 सही बनाइए, 8 सही नहीं दिख रहा है, तो यार 8 अब कैसे बन सकता है भाई, 1 हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे भी बनाते हैं, 1-8 ऐसे लोग बनाते हैं, तो उस तरीके से हम नहीं बनाते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं 8 किसी और तरीके से बनाना चाहिए, तो आप लोग 8 बना के वो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए, तो फिर हम देखते हैं कि आप लोग कैसे 8 बनाते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये 8 बना हुआ है, वो लोग अपना 8 कैसे बनाते हैं वो मुझे फेसबुक पे भेजें, चूँकि वीडियो पे या कमेंट में नहीं आप अपना फ़ोटो भेज सकते हैं, या फिर कह लो कि ये पिक्चर नहीं भेज सकते हैं, है ना। तो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना जो भी है वो 8 बना के भेजो, तो फिर हम देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि सुधार कितना करना है, उसमें सुधार करने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे मेन। भाई कह रहा है कि ए बी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एम मिड पॉइंट है तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये वाला लेंथ भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर। आगे क्या कह रहा, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी। अब यहाँ पे ए बी पे सेमी सर्कल बनाए गए, एक ये बड़ा सेमी सर्कल बना है और दो ये छोटे छोटे मिड पॉइंट से सेमी सर्कल बने हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा कि ड्रॉन ऑन ए बी ए एम एंड एम बी एज डायामीटर। भाई ए बी से बड़ा वाला ये सेमी सर्कल बना है जो ऐसे बना है, और ए एम से एक ये छोटा सेमी सर्कल, और एम बी से एक ये छोटा सेमी सर्कल बना है, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर सी, एक सर्कल है जिसका सेंटर ये सी है, वो क्या कर रहा है कि बनाया गया है जो तीनों जो हमारे सर्कल हैं, तीनों जो सेमी सर्कल है, एक ये बड़ा वाला, दो ये छोटे वाले, तीनों को टच कर रहा है, क्लियर। फाइंड इट्स रेडियस, हमें इस बड़े वाले का रेडियस, सॉरी कंप्लीट सर्कल जो बन रहा है उसका रेडियस बताना है, और रेडियस को एक्सेलेट किया गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग बात करें
ये हमारा दो सेमी सर्कल हो गया, दोनों के डायामीटर क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर हम बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। सेम इसी तरीके से इसका भी रेडियस ये क्या है, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दें कि ये सी पॉइंट हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको कंप्लीट ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ देखो कि जो ये सेमी सर्कल है उसका ये सेंटर है ना, एम सेंटर है। अब अगर एम सेंटर है तो ए एम भी रेडियस हो जाएगा, एम बी रेडियस हो जाएगा, एम बी भी रेडियस हो जाएगा, और इसको अगर हम एल लेट कर लें है ना, तो जो एम एल है ये इस बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस होगा। दैट मीन्स एम एल का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, जितना इसका है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें बताना क्या है, इस एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें भाई, यहाँ तक ये 2 है, तो जो ये लेंथ है मींस कि ये वाला जो लेंथ होगा ये भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, है ना। और अगर हम इसकी बात करें सी एम की, तो सी एम की अगर बात करें तो एम एल से जो ये वैल्यू होगा सी एल, सी एल की अगर हम बात कर लें तो भाई ये जो सेंटर सी है, एक ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है जिसका एक्स रेडियस है, तो ये वाला भी रेडियस ही हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, है ना। अगर हम सी एम की बात करें तो क्या होगा कि पूरा एम एल से सी एल माइनस कर दे तो सी एम का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो सभी चीज़ें हम अलग नोट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये हमारा एक क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लिया जाए कि भाई जो हमारा ए एम है, ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि इसको क्या पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग एक्स लेट कर, सॉरी वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ और लेट कर लो इसको हम, अरे यार क्या लेट कर लिया जाए, हम इसको पी लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये पी पॉइंट है इस वाले सेमी सर्कल का जो सेंटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि भाई ए एम 4 सेंटीमीटर, तो पी एम कितना हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि जो हमारा पी सी है, ठीक है, पी सी की अगर बात करें तो पी सी कितना हो जाएगा, 2 और प्लस एक्स, ये कितना हो गया, 2 प्लस एक्स पी सी हो गया। ठीक है, और अगर सी एम की बात करें, सी एम मतलब ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो सी एम कितना हो जाएगा भाई, टोटल हमारा एम एल 4 है और सी एल कितना है, एक्स है, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस सी एल, यही होगा, है ना। वैल्यू पुट करो, एम एल कितना है 4 और सी एल कितना है एक्स, तो सी एम हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे आ जाओ कि अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस ट्रायंगल पे, मींस कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी सी एम। इस ट्रायंगल पे अगर हम लोग आ जाएं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल पी सी एम या पी एम सी, पी एम सी कर लो, पाइथागोरस थ्योरम आ जाते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा पी सी होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो पी सी स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू पी एम बेस हो जाएगा, और एम सी जो है वो क्या हो जाएगा, या एम सी या सी एम कर लो, जो भी लिख लें हम यहाँ पे पी एम करते हैं, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर, है ना। वैल्यूज़ हमारे पास सबके हैं। अगर पी सी की बात करें तो पी सी कितना है, 2 प्लस एक्स, इसको कर लो 2 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एम कितना है 2 है, 2 रख लेते हैं यहाँ पे, प्लस सी एम कितना है 4 माइनस एक्स, तो इसको कर लो 4 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको सभी को क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से एक्सपेंड कर लेना। इसको एक्सपेंड करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए बी, तो हो जाएगा 2 ए हमारा 2 है, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा ये, है ना। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा,
टू का स्क्वायर फोर हो जाता है, फोर स्क्वायर दैट मीन्स 16। अच्छा यहाँ भी डायरेक्टली कर लेते हैं हम, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा ये, टू ए बी, तो टू ए, फोर टू जा एट इंटू बी, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे x का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब आ जाते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स जो भी हैं उनको एक तरफ कर लो। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर सेम साइन के साथ में एक्स स्क्वायर इधर है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। भाई कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर इधर लेके आते तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके माइनस होके जीरो हो जाता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब एक्स वाले टर्म से एक तरफ लेके आओ, जैसे यहाँ पे देखो 8x है माइनस में, तो इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 4, और इधर इधर 4 हम लेके चले जाते हैं, 4 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, इक्वल वैल्यू है। ठीक है, जैसे देखो 4 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो हो जाता है, तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं उसको। इधर कितना बच गया, सिर्फ 16 बच गया, तो इसको हम 16 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4x और 8x कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16/12, स्मॉल कर लो इसको, 4 से करेंगे 4 3 जा और इसको 4 4 जा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, चाहो तो और सॉल्व कर लो, चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो, है ना। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, फिर से 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, 3 3 जा 9, तो ये हमारा 1.3333 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 whole 1/3 और 1.33 सेंटीमीटर। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट हो गया, अब चलते हैं हम लोग 13 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो इक्वल सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश टच ईच अदर एट एक्स। दो हमारे सर्कल हैं सेम रेडियस के हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्स पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस दोनों सर्कल एक्स पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ओ डैश इज प्रोड्यूस्ड टू मीट अ सर्कल ओ डैश एट ए। अब ओ और ओ डैश जो है इसको जब हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो सर्कल पे ए पॉइंट पे जाके लाई करता है। ठीक है, आगे कह रहा कि ए सी इज टेंजेंट टू द सर्कल हुज सेंटर इज ओ। जो AC लाइन है वो O वाले सेंटर वाले सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, तो हमेशा टेंजेंट क्या करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, आगे कह रहा कि O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। जो O डैश D है मींस कि O डैश D ये वाला जो लाइन है वो AC पे परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा, कहाँ पे, डी पॉइंट पे। ठीक है, आगे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला ओ डैश बाई ओ ए। हमें क्या करना है कि ओ डैश बाई ओ ए का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड पे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ डैश, ए डी ओ डैश इसका एरिया, देन उसके बाद ए सी ओ का एरिया, इसका भी हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं जो भी पूछ रहा पहले, है ना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए ओ डैश बाई ए ओ बताओ, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ डैश बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है, ये तो पूछ रहा है ए सी ओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मुझे ये बताओ कि हम क्या करें कि इन यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए डी ओ डैश और एक ए सी ओ, इसको हमें क्या करना है कि
सिमिलर प्रूफ करना, ठीक है। हम इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। अगर एक चीज़ देखो कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई दो चीज़ें हमारे पास, साइड या एंगल, कोई दो चीज़ें मैंडेटरी है कि इक्वल रेशियो में आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इंट्रायंगल ए डी ओ डैश एंड ए सी ओ, ठीक है। पहला देखो कि जो एंगल ए है दोनों ट्रायंगल में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉमन है, ठीक है। एंड फिर आ जाओ एंगल डी, भाई ए डी ई का, ए डी ओ डैश ट्रायंगल का एक एंगल डी है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, देखो यहाँ पे इस पे क्या है कि टेंजेंट है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कर सकते हैं इसको एंगल सी, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ओ डैश सिमिलर ट्रायंगल ए सी ओ, किसके बेस पे, एंगल एंगल एच सी एम के बेस पे, ये क्या है, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। अब अगर सिमिलर हैं, और एक चीज़ देखो कि हम लेट कर लें यहाँ पे कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बी, या फिर यहाँ पे लिख लो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी स्मॉल आर, ठीक है। अगर हम इसको स्मॉल आर लेट कर ले रहे हैं, तो दोनों के रेडियस सिमिलर हैं, इक्वल हैं, तो ये भी आर हो जाएगा। इधर अगर बात करें सेंटर, तो ये भी आर हो जाएगा, देन उसके बाद ये भी रेडियस है आर हो जाएगा, सेम ही रेडियस के दोनों सर्कल हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए ओ की, ए ओ डैश की, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए ओ डैश बाई ए ओ, ये हमको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे ए ओ डैश की बात करें तो कितना है, आर है, और अगर हम बात करें ए ओ की, तो आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 3R, क्लियर। तो यहाँ से हम आर से आर कैंसिल कर देंगे, ए ओ डैश बाई ए ओ कितना आ जाएगा, 1/3, ये हमको पहला पार्ट प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एरिया, सॉरी प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ डैश बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। ये हमेशा फॉर्मूला होता है कि दोनों का जो लेंथ हम यहाँ पे निकाले हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ डैश बाई ए ओ टू द होल स्क्वायर होता है, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड को रख के स्क्वायर कर दें, ठीक है। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये जो साइड है वो बड़े वाले ट्रायंगल के कंप्लीट साइड का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए ओ डैश और ए ओ का रेशियो रख दें और उसका होल स्क्वायर कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ओ कितना, 1, और ए ओ डैश कितना है, 1 है, और जो ए ओ है वो कितना है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9, यही हमको फाइंड करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ डैश बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/9, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का बी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज 15 सेंटीमीटर। मींस कि दो हमारे सर्कल्स, एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल ये है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, और दूसरा सर्कल हमारा ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर क्या है, O डैश है, क्लियर। इनमें जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मींस कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर। इसका लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, क्लियर।
क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। रेडियस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। और इसको भी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जो सेंटर है, दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, क्लियर। अब ये हमारा अभी डायग्राम बन गया है। अब देखो एक चीज़ कि ये जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और ये टोटल हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, क्लियर। हमें ओ और ओ डैश का लेंथ बताना है, क्लियर। इसके रेडियस को हम क्या करते हैं, कैपिटल आर लेट कर लेते हैं और ये जो रेडियस होगा इसको स्मॉल आर लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि अब हम क्या करें कि एक ओ डैश पॉइंट से यहाँ पे इसको हम लोग ए लेट कर लेंगे, इसको बी लेट कर लेंगे। मींस कहने का कि ओ डैश से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें तो ये जो लेंथ होगा वो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं सी, ठीक है। तो जो बी ओ डैश का जो लेंथ है वही हमारा ए सी का हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा कि बी ओ डैश इज इक्वल टू ए सी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग ओ सी की बात करें, ये इतना है 4, तो ओ सी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल होता है और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, क्लियर। तो जब ए बी का लेंथ 15 है तो सी ओ डैश का भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्लियर। अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे पास ओ सी ओ डैश एक क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम इन राइट ट्रायंगल ओ सी ओ डैश, यहाँ पे फिर से अपने वही पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पे देखो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जस्ट उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा ओ ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर करना, सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ डैश स्क्वायर, क्लियर। ओ ओ डैश हमको फाइंड करना, तो ओ ओ डैश स्क्वायर रखेंगे, सी ओ कितना है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 8 फिर से सही बना लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस सी ओ डैश कितना है, 15, तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ओ ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ओ ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 225 कितना हो जाएगा, 649 और 6282 289। तो यहाँ से ओ ओ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, ठीक है। यहाँ से ओ ओ डैश हमको मिल जाएगा 17 सेंटीमीटर, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, ठीक है। तो यहाँ से ये लेंथ हमको मिल जाएगा कितना, 17, यही पूछ रहा है वो। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इजी सा था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विद देयर सेंटर्स 13 सेंटीमीटर अपार्ट। अब की बार क्वेश्चन में दो सर्कल्स दिए गए हैं अलग अलग रेडियस के हैं। अब की इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पे टेंजेंट, जो कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ दिया था, यहाँ पे क्या है कि इनके सेंटर्स के बीच में जो लेंथ है वो दिया गया है, ठीक है। हमें अब की बार कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना। तो अगर हम लोग डायग्राम पे आ जाएं, ये हमारा एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ से इसको हम बना लेते 3 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा ये एक 8 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है, कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ 13 सेंटीमीटर है, और जो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है वो बनाया गया है, क्लियर।
ये हम इसको ज्वाइन कर देते सेंटर से, ये 90 डिग्री यहाँ भी बनाएगा और 90 डिग्री यहाँ भी बनाएगा, क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, है ना, ये इधर 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो कि जो लेंथ इसका आएगा वही लेंथ इसका होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है और ये लाइन इसके पैरेलल होता है, ठीक है। और एक चीज़ देखो कि ये वाला टोटल लेंथ क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, क्लियर। ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये लेंथ फाइंड करना है। इसको अगर हम लोग ओ कर लें, इसको ओ डैश कर लें, इसको सी कर लें, इसको ए कर लें, इसको बी कर लें, है ना। तो ओ सी का हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा, ओ सी ओ डैश राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, राइट ट्रायंगल। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम्स के थ्रू ओ सी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसको आप लोगों को करना है, हम सिर्फ ओरली बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, 13 हमारा क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है, है ना। तो ये हो जाएगा ओ ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी ओ डैश स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। ओ ओ डैश कितना दे रखा, 13 का स्क्वायर कर लेंगे, ओ सी स्क्वायर, ओ सी हमको फाइंड करना है, और सी ओ डैश कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 25, क्लियर। 169 से इधर आएगा, 25 माइनस होगा तो 144 बच जाएगा, दैट इज ओ सी स्क्वायर। ओ सी का यहाँ से लेंथ आ जाएगा रूट ऑफ 144, ओ सी यहाँ से हमको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स कि ओ सी हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ए बी है, इज इक्वल टू ये हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यही हमको फाइंड करना था, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 इजी सा था, हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो रहा तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।